नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं जो राशन कार्ड है उसके अंदर मेंबर को डिलीट करके, उस जैसे कि मुखिया मेंबर है उसको डिलीट करके उसके जगह नया मेंबर कैसे जोड़े या मेंबर कैसे हटाए, ये दोनों वीडियो एक साथ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी मित्रा को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अपनी जो मित्रा है उसके डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यूट्यूब सर्विसेज होती है, ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऐड राशन कार्ड ये वाले डिलेक्ट जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें राशन कार्ड ऐड नेम डिलेक्शन नेम करेक्शन ये आपको मिल जाएगा। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा राशन कार्ड या फूड विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पे कुछ देर वेट करते हैं। इसके बाद सिलेक्ट ऑफिस के अंदर आपको यहाँ पे आपका जो भी ब्लॉक है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा ब्लॉक और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जो राशन कार्ड नंबर है वो आपके यहाँ पे आपको डालने होंगे। राशन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन देख रहा है इस पे आपको क्लिक करना होगा। सर्च का ऑप्शन देखने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स जो राशन कार्ड की है वो आपको शो हो जाती है। इस तरह से आपको राशन कार्ड की पूरी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है इस पे ही आपको क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको ये डिलीट राशन कार्ड मेंबर जो भी डिलीट करना है वो यहाँ से डिलीट कर पाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो चूज का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे चूज के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब चूज के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जिसके नाम से अभी आपने सबमिट किया था उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको उसका एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। एड्रेस देखने के बाद आपको यहाँ पे इससे नीचे आना है। अब जितने मेंबर यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इनमें से जिसको भी आपको डिलीट करना है उसके सामने यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन और करेक्शन का दोनों आपको देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे डिलीट करना है तो हम यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। डिलीट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको रीजन फॉर सिलेंडर का आपको यहाँ पे नाम देना होगा। तो डेथ लिख देते हैं, DETH, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसके बाद अगर राशन कार्ड में मुखिया की ही मृत्यु हो जाती है तो आप क्या करना है। तो यहाँ पे ये तो हो गया नॉर्मल डिलेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे अब अगर मुखिया की ही मृत्यु हो जाती है तो दूसरा मुखिया बनाने के लिए क्या करना होगा। तो आपको यहाँ पे अब जो सिलेक्ट फॉर करेक्शन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपका मेंबर लिस्ट ऑफ करेक्शन की आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाती है। अब इसमें आपको करेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। करेक्शन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आपको उससे संबंधित सारी डिटेल्स आपको सामने आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए अब मुखिया यहाँ पे खत्म हो चुका है तो आपको सिलेक्ट फॉर करेक्शन रिलेशन के अंदर आपको यहाँ पे चेक करना होगा। तो हम यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको जो पत्नी लिखा हुआ है इसकी जगह आपको यहाँ पे स्वयं कर देना है और आपको यहाँ पे बाकी कोई डिटेल्स आपको यहाँ पे चेंज नहीं करनी है। तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर देते हैं। चेंज ये हो गया, अपडेट हो गया मुखिया। मुखिया अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे फोटो भी आपको यहाँ पे जो मुखिया है उसकी आपको चेंज करनी होगी। अब आपको यहाँ पे जो फोटो डिटेल्स है उसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। तो फोटो डिटेल्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको जो फोटो यहाँ पे फोटो की साइज आपकी यहाँ पे 10 KB से 20 KB मैक्सिमम होगी। वो जो साइन की साइज है वो 20 KB होगी। अब यहाँ पे आप अपलोड कर देते हैं, फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। तो आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे क्लिक करोगे तो कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ गाइडलाइन या सक्सेस का ऑप्शन या जो भी ऑप्शन आता है वो आपको हम शो करते हैं।
अब यहाँ पर हमारी जो फोटो साइन है वो अपलोड हो चुकी है। हम एक बार फोटो साइन अब एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। हम फोटो डिटेल्स पे वापस से क्लिक करते हैं। जैसे ही फोटो डिटेल्स पे हम क्लिक करते हैं तो हमारी जो फोटो साइन है, हमारी जो अपडेट हुए हैं वो हमको यहाँ पे शो होकर दिखने को मिल जाते हैं। तो अब जैसे ही यहाँ पे शो हो जाते हैं तो हमें यहाँ पे इसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल का ऑप्शन देखते हैं तो उसको ऊपर आपको टिक कर देना है। कैंसिल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे जैसे आप आओगे तो आपको यहाँ पे जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पे अपलोड नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके जो ऊपर आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहे हैं, फॉर्म आवेदन संख्या, वो आपको यहाँ पे डालनी है। अब जैसे आप वो यहाँ पे डालोगे तो आपको कुछ डाल के आपको यहाँ पे चूज नाउ की फाइल के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फॉर्म आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, फॉर्म सब सिलेक्ट करके आपको सेव पे क्लिक करना है तो आपका यहाँ पे जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। तो अब जैसे अपलोड हो जाता है तो इसके बाद आपको वापस से कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको अब यहाँ पे अपलोड जो है जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। अब इसको शो देखने के लिए कि अपलोड हुआ या नहीं तो शो पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप शो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इधर आईडी नंबर है जो आपने डाले थे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर ये शो ना हो तो आप ये समझ लेना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड नहीं हुए। इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर से रीडायरेक्ट होगा। रीडायरेक्ट होने के बाद आप अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट प्रूफ में आपको क्लिक करना होगा। आपको जो भी पास आपके पास एफिडेविट, डेथ सर्टिफिकेट, मेरी सर्टिफिकेट, तो हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट क्लिक कर देते हैं। और अब जो आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो अब यहाँ पे हम उस आईडी पे क्लिक कर देते हैं और आपको यहाँ पे चूज नाउ पे क्लिक करके आपको जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो हम यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाता है। जैसे हम हमारा यहाँ पे फॉर्म सेव हो जाता है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको अपलोड या वेरीफाई के ऊपर आपको यहाँ पे आप क्लिक कर लेना। इससे पहले आप जो प्रीव्यू है वो भी चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। अब वेरीफाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टोकन है वो जनरेट आपको यहाँ पे कर लेना है। अब आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो अपलोड पे आपको क्लिक करना होगा। अपलोड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ देर रीडायरेक्ट लेगा। रीडायरेक्ट जैसे रहता है तो इसके बाद आपको यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस पे सिलेक्ट करोगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपको फॉर्म फिल करते टाइम पर जो एप्लीकेशन नंबर मिले थे वो आपको यहाँ पे डालने होंगे, वो डाल देते हैं। इसके बाद आपको चूज एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको वो फाइल चूज कर लेनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो हम यहाँ पे वो फाइल चूज कर लेते हैं। आप फाइल सिलेक्ट करके जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है, ऐसा बता देता है। तो अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, ठीक है, और कैंसिल पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे जो अदर डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे तो आपको यहाँ पे अपलोड के ऊपर वापस से क्लिक करना है। हम यहाँ पे वापस से क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जो एफिडेविट जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और अब यहाँ पे जो एफिडेविट या जो आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सेव पे आपको क्लिक कर देना है। जो फाइल है वो सक्सेसफुली हमारी अपलोड हो जाती है। तो इसके बाद आपको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपको वापस से नीचे आना है। तो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे आपको अगर चेक करना है कि आपने क्या अपलोड किया है तो आपको यहाँ पे शो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते तो यहाँ पे शो होगा कि आपने एफिडेविट सिलेक्ट किया था, कितना नंबर था। तो हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से चेक हो जाता है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा प्रीव्यू का, जिसमें आप यहाँ पे राशन कार्ड का प्रीव्यू चेक कर सकेंगे। दूसरा देखने को मिलेगा वेरीफाई का। तो आपको यहाँ पे दूसरे के अंदर ये चेक करना होगा कि वेरीफाई करना होगा। तो हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके हमारा जो राशन कार्ड है उसमें डिटेल सही नहीं है या सही है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नया डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें आपको बिफोर और आफ्टर दोनों का देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे बिफोर पे तो आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो इसके बाद आप यहाँ पे आफ्टर पे सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको जो भी करेक्शन किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे आफ्टर पे चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। इसके बाद आपको आगे बताते हैं।
अब हमने यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर लिया, पूरी डिटेल सही है, तो आपको यहाँ पे ठीक है आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे फॉर्म वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। तो आपको यहाँ पे फॉर्म वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे ये जनरेट टोकन एंड सेंड प्रोसेस के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे एक टोकन नंबर देखने को मिलेगा, वो टोकन नंबर आपको यहाँ पे कहीं लिख के रख लेना है। तो अब यहाँ पे इस तरह से आप ये फॉर्म है अच्छी तरह से सक्सेसफुली है वो फिल कर पाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे ये फॉर्म है फिल कर लेना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।